बल्दिया का इलेक्शन है तो प्रकाश जावड़ेकर मरकजी वजीर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, इनको वोट दिए तो इनको आता, उनको वोट दिए तो इनको आता। अब कोई बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद में 45 लाख रोहिंग्या वोटर है। अरे आप बताइए, अगर 45 लाख रोहिंग्या वोटर है तो दिल्ली में बैठे अमित शाह क्या सो रहे हैं? वो मिनिस्टर है ना, देखना उनका काम है, मेरा काम है। आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है, आपकी हुकूमत क्या कर रही है, और वोटर लिस्ट में है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिख जाके बताओ आपके नाम है, मगर मकसद क्या है? क्योंकि मजलिसे इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के ताल्लुक से दीगर अपनाए वतन में एक हसद और एक हेट्रेट पैदा किया था। बल्दिया का इलेक्शन है तो रोहिंग्या आ जाता है, बल्दिया का इलेक्शन है टेररिज्म आ जाता है, बल्दिया का इलेक्शन है इन्हों जाके उनसे मिले। मेरा अब मेरे से मीडिया वाले पूछे, बैरागड्डा में दौरा कर रहा था, ये सब सवाल करके मेरे से पूछे क्या बोलते आप? मैं बोला देखो भाई, हैदराबाद में कहावत है, गरीब की जो सबकी भाभी बन जाए, ये क्या बात है? मतलब मुंह तो नहीं लगता हमारे, आप ये समझ रहे हैं कि ये सब बातें करेंगे और हम सुनते जाएंगे? वो जमाना चला गया कि आप झूठ पे झूठ और इल्जाम पे इल्जाम लगाते जाएंगे और हम खामोश बैठते जाएंगे। बल्दिया का इलेक्शन है तो मरकजी हुकूमत जिसमें वजीर आजम की पार्टी बीजेपी है, उनको बताना चाहिए कि आपने 2019 से लेकर 2020 तक शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आपने हैदराबाद को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, खेगा दिया। सैलाब आया, बारिश हुई, पानी आया, मैं खुद जो मरकजी टीम आई थी हाफिज बाबा नगर के पास, उनकी गाड़ी रोककर उन अहदेदारों उसको उतार कर मैंने कहा कि ये यहां पर इतना इतना मुकाम पर पानी आया है और गवर्नमेंट का जियो है और जियो ये कहता है कि अगर किसी के घर में पानी आया या पार्टी डैमेज हुआ तो मरकजी हुकूमत 80% देगी और 20% रियासती हुकूमत देगी। यानी जो आज आपको 10,000 रुपये मिले, अगर मरकजी हुकूमत बीजेपी मोदी अगर मदद कर दे तो 10,000 के जगह आपको कम से कम 80,000 से लेकर 1,00,000 रुपया मिलता है। मगर हमारे वजीर आजम माशाल्लाह लंबी लंबी छोड़ देते हैं, जब पैसे की बात आती बोलते मित्रों नेशनलिज्म ले लो, जब पैसे देने की बात आती तो बोलते रोहिंग्या ले लो, जब पैसे देने की बात आती हैदराबाद को तो बोलते यहां पर दहशतगर्दी हो रही है, यहां पर खुला हो रहा है। अरे आप देते क्यों नहीं हैदराबाद को? बीजेपी को ये बताना चाहिए कि हैदराबाद से बीजेपी को, संघ परिवार को आखिर इतनी नफरत क्यों है? आप कर्नाटक और दीगर रियासतों के शहरों को दे सकते हैं, हैदराबाद को क्यों नहीं देते? आखिर इतनी नफरत क्यों है? इतनी नाइंसाफी बीजेपी क्यों कर रही है? इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा, क्योंकि ये बल्दिया इलेक्शन है और इनके पास इसका जवाब देने के बारे में कुछ भी नहीं है। अब आप तैयार हो जाइए, 29 तारीख तक रोज कोई ना कोई दिल्ली से पैराशूट से लैंड होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दूल्हे भाई के बारे में बात करते रहेंगे। इनका मकसद एक ही है कि ओवैसी के नाम पर इलेक्शन लड़ो। अरे क्या तुम मोदी के नाम पर नहीं लड़ सकते? तुम क्या बदनाम हो गए कि तुमको एक शेरवानी और टोपी और दाढ़ी वाला ही नजर आ रहा है? ये इनकी साजिश क्या है कि नफरत पैदा किया जाए, नफरत पैदा किया जाए, डर पैदा किया जाए।